नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। गुजरात के भरूच से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटेल वेलफेयर अस्पताल के कोविड वार्ड में भीषण आग लग गई है और अस्पताल में कोविड के 76 मरीज भर्ती थे। भरूच से खबर है जहां पर कोविड अस्पताल में आग लगी है। हम इस बारे में पूरा अपडेट आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें कि आज यानी 1 मई से 18 प्लस वालों के टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। देश में तीसरे चरण का टीकाकरण, जहां पर 18 प्लस को टीका लगना है, जिसमें युवाओं की अच्छी खासी तादाद शामिल है। देश में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। आज से इस जंग में देश के युवा भी शामिल होने जा रहे हैं। कई राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा। यूपी में शुरुआत 7 बड़े जिलों से होने वाली है, जहां कोरोना केसों की संख्या 9000 से ऊपर है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली इनमें शामिल है। बाकी जिलों को वैक्सीनेशन में बाद में शामिल किया जाएगा। ये वैक्सीनेशन सभी बड़े अस्पतालों के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा। यूपी में 1,23,82,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राजस्थान भी आज से वैक्सीनेशन शुरू कर रहा है। राजस्थान के 11 जिलों में तीसरे चरण का टीकाकरण आज से शुरू होगा। वहीं गुजरात में आज से 10 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसकी वजह वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी, और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और ओडिशा में तीसरे चरण का टीकाकरण आज से शुरू नहीं हो रहा। कुछ राज्यों के लोगों को भले ही थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आज से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की तीसरी जंग शुरू हो गई। आज तक ब्यूरो।